हेलो गाइस, वेलकम टू शेड और मैं हूं आपका संकल्प। चलो चलाते हैं बोर्ड का ब्रह्मास्त्र। और इस बोर्ड के ब्रह्मास्त्र में हमारा टॉपिक होने वाला है कैपेसिटर। हमने गाइस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लास्ट लेक्चर में देखा और अभी हमारा एजेंडा होने वाला है कैपेसिटर। और आज हम कोशिश करेंगे कि कैपेसिटर को निपटाएं। चलो कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर गाइस होता है एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। जैसे तुमने देखा होगा कि पंखे में कंडेंसर लगा होता है। कभी कभी क्या होता है, पंखा जब नहीं चलता है तो हम क्या करते हैं, पंखे को अपने आप ऐसे घुमाते हैं तो पंखा चलने लग जाता है। इसका मतलब बोलते हैं हम कंडेंसर वीक हो गया। तो कंडेंसर कैपेसिटर का दूसरा नाम है। कैपेसिटर का दूसरा नाम है क्या, कंडेंसर। तो मैं बोल सकता हूं कैपेसिटर और कंडेंसर, ठीक है। कैपेसिटर बोलूं या बोलूं कंडेंसर, बात है एक। चलो अच्छा, डायरेक्ट काम की बात पे आते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी होगा कि कैपेसिटेंस किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटेंस। तो सपोज करो गाइस ये अपने पास एक कंडक्टर है। सबसे हम पहले कैपेसिटेंस को समझते हैं क्या होता है, ठीक है। मन लगा के समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। जैसे तुमने सुना होगा रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, वैसे एक प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस। कैसी प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी। तो सपोज करो ये कंडक्टर, ये क्या है, कंडक्टर, और इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू 5 माइक्रोफेराड, या सपोज करो 5 फेराड। फेराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। जब तक इसका मतलब नहीं समझोगे ना गाइस, तब तक चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू 5 फेराड है तो इसका यह मतलब हुआ कि अगर इस कैपेसिटेंस का पोटेंशियल, मान लो इसका पोटेंशियल है 4 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, इसके पास पोटेंशियल अगर 4 वोल्ट पहले से था, तो अगर पोटेंशियल इसका 4 वोल्ट पहले से था तो क्या इसके पास पहले कोई चार्ज रहा होगा। नहीं सर, बिल्कुल रहा होगा, क्योंकि चार्ज से ही तो पोटेंशियल बनता है। नहीं है यार, तो अगर मुझे इसका पोटेंशियल 4 वोल्ट से, गाइस फील करना, कैपेसिटेंस 5 है, कैपेसिटेंस 5 है। हम क्या समझने जा रहे हैं कि कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है। तो कैपेसिटेंस अगर 5 है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस कंडक्टर का पोटेंशियल 4 वोल्ट से 5 वोल्ट करना है, अगर इस कंडक्टर का पोटेंशियल 4 वोल्ट से 5 वोल्ट करना है, मतलब 1 वोल्ट बढ़ाना है, मतलब 1 वोल्ट बढ़ाना है, तो इस कंडक्टर को हमें 5 कूलम चार्ज देना पड़ेगा। फील आया गाइज आपको। गाइज कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर 10 है, अगर मान लो मैंने बोला कि मेरे कैपेसिटेंस की वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पोटेंशियल को तुम्हें 1 वोल्ट से बढ़ाना है तो मुझे 10 कूलम चार्ज देना पड़े। बात समझे, नहीं आया, समझ में आया। तो अगर मुझे कैपेसिटी इसका मुझे लिखना है, तो इसका मतलब मैं लिखूंगा, इट मीन्स दैट इफ आई हैव टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर बाय 1 वोल्ट, देन 5 कूलम चार्ज इज नीडेड। क्लियर हो गई बात, बोलो फीलिंग आई गाइस, बोलो फीलिंग आई। 5 कूलम चार्ज इज नीडेड, पोटेंशियल हमें कैपेसिटेंस देख के पता चल जाएगा ना, बोलो यार। अच्छा, हम क्या चाहते हैं कि अच्छा, दो कंडक्टर है, ठीक है। सपोज करूं, तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कैपेसिटेंस एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। कैपेसिटर एक क्या है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। तो चार्ज की वजह से वो क्या स्टोर कर लेता है, एनर्जी। मैंने आपको बताया है बेटा कि जैसे मेरे पास चार्ज है, तो वो चार्ज की वजह से मेरे चारों तरफ क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है, मेरी एनर्जी। हमारे पास पैसे होते हैं तो हम क्या करते हैं, इधर उधर हर जगह प्लॉट खरीद लेते हैं, तो अपनी एनर्जी को क्या, पैसे को अंदर ठूस के रखते हैं या पेट के अंदर, पैसा ये देखो क्या करते हैं, प्लॉट्स खरीद लेते हैं, अपने पैसे को फैला लेते हैं। नहीं आया, पक्का। वैसे ही इस चार्ज के पास अपनी क्या है, एनर्जी है, ठीक है। अब कैपेसिटेंस को फील करो, जो मैं बताने जा रहा हूं उसको फील करो अच्छे से।
सपोज करो गाइस, मेरे पास दो लोग थे, लालू और टालू, लालू और टालू। मैंने लालू और टालू दोनों से बोला, सुनो लालू टालू, तुम लोगों को मैं अपने पैसे दूंगा रखने के लिए, किसी को कानो कान पता नहीं चलना चाहिए, इनकम टैक्स वालों की नजर है मुझ पर। अरे सर आप परेशान मत होइए, मेरा पैसा रखिए आप, कोई इशू नहीं है, आप दे दिया कि ये पैसा हम संभाल के रख लेंगे कैश। मैं गया, मैंने लालू को 50,000 रुपये दे दिए और टालू को 50,000 रुपये दिए। लालू जिस दिन मैंने 50,000 रुपये दिए थे उस दिन लालू ऐसे नॉर्मल कपड़े पहन के घूमता था, लेकिन टालू को जैसे ही 50,000 रुपये मैंने दिए तो बिल्कुल गया अपने लिए शॉपिंग वॉपिंग कर लाया, वाइल वाइल स्पाइक्स करके ब्रांडेड चश्मा घड़ी पहन के मार्केट में निकलने लगा। सब देखने लगे टालू को, अरे यार ये क्या, इसका तो रहन सहनी बदल गया, पैसा आ गया क्या इसके पास, बोलो आया कि नहीं आया। अब मुझे बताओ कि लालू और टालू में एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी किसके अंदर ज्यादा है, लालू के अंदर या टालू के अंदर? लालू या टालू? लालू। क्यों? क्योंकि उसने उसको रख भी लिया और दूसरों को पता भी नहीं चलने दिया। नहीं आया, बोलो आया कि नहीं? उसने एनर्जी लगा भी, माल दबा के रखे हैं, लेकिन दूसरों के सामने बिल्कुल फटीचरों की तरह रह रहे हैं, बहुत गरीब है, दो वक्त की पिज्जा नसीब नहीं होती। तो क्या है कि ये है गरीबी, पैसा बहुत लेकिन किसी को बताना नहीं, मतलब मेरी कैपेसिटेंस हाई है। बगल में कोई मिला, आंटी आपका तो कैपेसिटेंस बड़ा हाई है, अब समझ भी नहीं पाई तुमने अपनी बात भी बोल दी, अब देखना अगर कहीं फिजिक्स की स्टूडेंट तो बेलन से मारना थे। तो कहने का मतलब ये कैपेसिटेंस हमें, अगर हमें अब हमको हम मार्केट में लेने गए, भैया वो कैपेसिटेंस निकाल दीजिएगा, दीदी कौन सा निकालें, कौन कौन सा है, 2 फैराड का है, 8 फैराड का है, 12 फैराड का है, अगर तुम्हें चार्ज को स्टोर करना है तो कौन सा लोगे, 12 फैराड, ज्यादा कैपेसिटेंस, जिसको अपना पोटेंशियल बढ़ाने के लिए ज्यादा चार्ज की जरूरत हो, जो ज्यादा चार्ज लेने के बाद अपनी रहन सहन बदल रहा हो। अच्छा लालू की भी तो एक औकात है, लालू भले ही 50,000 में शो नहीं किया, बात समझो 50,000 पे वो शो नहीं किया, तुमने उसको 5 लाख दे दिया। अब लालू सोचा 5 लाख है तो हम भी ले लें। फिर एक और दोस्त आया कचालू 10 लाख तक अपने अंदर चेंज नहीं कर रहा है, 10 लाख दे दिया और लो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, ये तो बहुत सही यार, ज्यादा ज्यादा स्टोर किया ले रहा, मोटा ही नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी किसकी अच्छी है? कचालू। 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए ज्यादा चार्ज जरूरी, तो मेरी कैपेसिटी ज्यादा। नहीं आया पक्का? तो मोर द कैपेसिटेंस, मोर द एबिलिटी टू होल्ड चार्ज मींस मोर द एबिलिटी टू होल्ड एनर्जी। नहीं आया फील? पक्का फील आया कैपेसिटेंस? अभी तक कैपेसिटेंस सुनते आए होगा, आज फील कर पाया? पक्का? चलो मोर द, इस स्टेटमेंट को लिख लेना, मोर द कैपेसिटेंस, मोर द एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, मोर द एनर्जी, मोर द कैपेसिटेंस, मोर द एबिलिटी टू होल्ड चार्ज एंड मोर द एनर्जी। ठीक है, अब कैपेसिटेंस अगर किसी कंडक्टर का सी है, ठीक है, और मान लेते हैं इसका पोटेंशियल मुझे 0 से 0 वोल्ट था पहले और वी वोल्ट करना है, 0 वोल्ट से कितना करना है, वी वोल्ट, पोटेंशियल 0 से V करना है, तो अगर 0 से V करना है तो ये बताओ इसमें कितना चार्ज देना पड़ेगा। अगर इसका कैपेसिटेंस सी है तो इसका मतलब 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए कितना, 3 कूलम। अरे नहीं आया। अगर किसी कैपेसिटर का किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है, उसका मतलब 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए 3 कूलम, 2 वोल्ट, 2C, 3 वोल्ट के लिए 3C, 5 वोल्ट के लिए 6 वोल्ट के लिए, वी वोल्ट के लिए VC।
ठीक है, चार्ज गिवन टू द, ये बेटा ये ब्रह्मास्त्र है, कैपेसिटर में कुछ ना याद रहे, इतना कहानी भले ही जो मैंने बताया भूल जाना, क्यू इज़ इक्वल टू सीवी मत भूलना, यही तुम्हारा आधार कार्ड और पैन कार्ड है कैपेसिटेंस में, क्यू बराबर, रात में 2 बजे जगा के पूछ लूं तो क्या याद होना चाहिए, सो रहे हो ए उठ, क्यू बराबर सीवी सो गए, समझे, तो ये हमेशा याद आना चाहिए क्यू इज़ इक्वल टू सीवी, वेयर सी इज द कैपेसिटेंस एंड वी इज द वोल्टेज, आ रहा है तो नोट करिए, ठीक है। क्या कैपेसिटेंस का ब्रह्मास्त्र है ये, क्या कैपेसिटेंस का ब्रह्मास्त्र ये है, क्या कैपेसिटेंस का रामबाण ये है, क्या हर जगह पे काम आएगा, अरे बोलो, क्या मैकेनिक्स का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, हाँ मैकेनिक्स का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, मैथमेटिक्स का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स है, और ऑप्टिक्स का स्नेल्स लॉ है ये, कैपेसिटेंस का क्यू बराबर सीवी है ये, चैप्टर की जान है ये, फिजिक्स का इतिहास है ये, हाँ हाँ इंसान है ये, क्यू इज इक्वल्स टू सीवी, ठीक है, तो इसको मिस नहीं करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, क्यू इज इक्वल्स टू सीवी पे चर्चाएं हुई, क्या कैपेसिटेंस एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, क्या कैपेसिटेंस एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, क्या वो ये वो प्रॉपर्टी ये बताती है कि उस कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, तो अगर हमको चार्ज स्टोर करना है तो हम कैसा कैपेसिटेंस मार्केट से लेंगे, ज्यादा वाला है कम वाला, कम वाला लोगे तो दिक्कत है ना, अरे बोलो ना जी, अरे हाँ या ना जी, कुछ लोग होते हैं थोड़ी नॉलेज पा के उछलने लगते हैं टीचरों से और छोटू, तो इसका उनका कैपेसिटेंस कम है, और जो बहुत नॉलेज के बाद भी अपने अंदर सम्मान रखे हैं, दूसरों से हम्बल हो, बात करने का उनका तरीका अच्छा हो, उनका कैपेसिटेंस हाई है, आईआईटी में सेलेक्ट हो गए, और संकल्प जी, और छोटू क्या चल रहा है, सही है शेड वेड सब बढ़िया, और अजय इसी खजाड़े से चल रहे हो, हट इसको मारो लाल, ले लो मेरी तरफ से ऑटो लो चलाओ, तो कहने का मतलब ये कैपेसिटेंस बहुत कम है, फील आया, तो कैपेसिटेंस लाइफ में क्या होना चाहिए, हर एक टॉपिक लाइफ से रिलेट करो, जिंदगी से रिलेट करो, खुशियों से रिलेट करो, ज्यादा नहीं पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है यार सर ऐसी बातें करते रहिए अच्छा पढ़ाते क्यों, क्यू इज इक्वल्स टू सीवी, ठीक है इसको मिस नहीं करना गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं डायरेक्ट काम की बात पे, अब इसी कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी को डिवाइस करके यूज करके एक डिवाइस बनाई गई और उसको बोला गया कैपेसिटर, क्या बोला गया कैपेसिटर, कैपेसिटर कुछ खास नहीं है, बस दो कंडक्टर का कॉम्बिनेशन, दो कंडक्टर का, एक ये कंडक्टर और उसी शेप और साइज का लगभग ये कंडक्टर, दो कंडक्टर, एक पे मैंने क्या दे दिया प्लस क्यू और एक पे दे दिया तो एनर्जी इसमें स्टोर हो गई, बोलो हाँ या ना, तो इस डिवाइस को क्या बोला गया कैपेसिटर, ये जो दोनों कंडक्टर ना इनको कंडक्टर बोलने में इनको डर लगता है, कहते हैं बाहर भी कंडक्टर बोलते हो यहाँ लाए तो भी कंडक्टर बोलोगे, बाहर वाली दुनिया भी कैपेसिटर बोलती, यहाँ आए इटली में आए तो नाम फ्रांसिस्को द इटालियानो कुछ ऐसा नाम रखो, तो यहाँ पे नाम रखा गया इनका, नहीं नहीं तुमको कंडक्टर नहीं बोलेंगे मोटे, तेरा नाम है यहाँ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ, बड़ा अच्छा लगा, वाओ हम प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, नाइस, बाहर गए मोटू कंडक्टर इधर आओ, अंदर पहुंचे प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो यहां पे क्या है प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इन्हीं कंडक्टर को क्या नाम दिया गया प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, क्या तररंपा पेन को छोड़ो, क्या Q इज इक्वल टू सी वी यहां भी यूज होगा, क्या वो कैपेसिटर का ब्रह्मास्त्र है, क्या वो कैपेसिटर की आत्मा है, हर एक कैपेसिटर के अंदर वो छुपा है, और अगर एक बार हमने सोल को पकड़ लिया तो बॉडी को पकड़ने में टाइम, बोलो हाँ या ना, तो कमांड योर सोल, क्या है Q बराबर सी वी में यूज करूंगा, लेकिन ये तो पाप भी हो सकता है सर, क्योंकि वी जो होता है वो तो पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर होता है, लेकिन यहां पे तो दो कंडक्टर है, तो यहां पर जो वी होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, अरे बोलो यार, अगर इसको मैंने बोला ए इसको बोला बी, तो अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या बोलूंगा जी, क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी, बोलो हाँ या ना, कष्ट वाली बात,
तो Q बराबर C इंटू वी ए माइनस वी बी, अगर एक कंडक्टर तो Q बराबर सी वी, दो कंडक्टर तो Q बराबर सी वी ए माइनस वी बी। आया कोई कष्ट? अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ कंडक्टर की, तो टाइप्स ऑफ कंडक्टर जो कैपेसिटर होता है वो तीन तरह के होते हैं। कैपेसिटर तीन प्रकार के होते हैं जो हमें पढ़ने हैं, पढ़ने का एक ही तरह का है, बाकी दो तो ऐसे जानकारी के लिए भौकाल मारने के लिए। पहला जो हम कभी ना भूल सकते, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर, और तीसरा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तीन तरह के कैपेसिटर अपने को पढ़ने, भूलिएगा मत, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, ठीक है? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और मजेदार कैपेसिटर, ठीक है? अब हम आते हैं, सबसे पहले हमको जो पढ़ना मेनली पढ़ना है वो है क्या, पैरेलल प्लेट इसका डेरिवेशन भी कर लेंगे लगे हाथ, ठीक है? पेन को छोड़ो, दिमाग को लो, चुटकियों में कराऊंगा, प्रॉमिस। ध्यान से सुनो, समय बीतता जाएगा और तुम लोग जो बच्चे यहां क्लास कर रहे हैं और जो बच्चे यूट्यूब को फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली देखना बोर्ड का अच्छा रिजल्ट आएगा फिजिक्स में, और जो यहां बैठ के कर रहे हैं वो तो फोड़ेंगे फिजिक्स का पेपर। ये बच्चा ना मेरा वो तो है ही। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो देखो, मैंने यहां पे दो प्लेट्स ली, और इन दोनों प्लेट्स में एक पे इन दोनों के बीच की दूरी जो थी वो क्या थी, d, और एक एरिया क्या था, a, ठीक है? और यहां पे ऐसे दोनों मेरे को मैंने एक तार से ऐसे जोड़ दिया, और एक को मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया और एक को नेगेटिव चार्ज, प्लस q और माइनस q। तो एक काम करते हैं, इसको हम डायग्राम ऐसे बना लेते हैं गाइस, बिल्कुल इसका प्रूविंग आ सकता है डायरेक्ट, पता है ना इसका कैपेसिटर निकालने की प्रूविंग आ सकती है। कितने लोगों को आता है इसका प्रूफ करना? देखो अब ज्यादा देखो क्या है गाइस, तुम्हें पता है अक्सर हम कोई भी चीज धूमधाम से शुरू करते हैं। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे बनाई, सीरीज पूरी नहीं कर पाया। फिर मैंने ये मुझे मेरे बहुत सारे खुद स्टूडेंट, मैंने बोला ना स्टूडेंट्स भी बहुत कुछ सिखाते हैं क्रिटिसाइज करके, बेइज्जती करके, तो मुझे ये लगने लगा कि जब मैं इतना बिजी शेड्यूल से लगता है जब लेक्चर बनाने आता हूँ, मुझे लगता है हटाओ यार क्या किस बात का है, सही तो है। फिर मुझे लगता है नहीं मैं इस सीरीज को कंप्लीट करूंगा, और इस सीरीज को खत्म जिस दिन मैंने कंप्लीट किया उस दिन मैं अगली सीरीज जब भी शुरू करूंगा तो उसको भी खत्म करूंगा। तो कभी ना तो कभी तो उससे लड़ना है ना, क्या मतलब सर आप क्या आप आइडियल हो? नहीं, मैं भी इनकंसिस्टेंट हूं, मैं भी इंसान हूं ना यार। लेकिन हाँ, जो चीज मुझे किसी ने बोली कि सर आप पूरी वो वीडियो सीरीज कंप्लीट नहीं किए थे, ये नहीं किए थे, वो नहीं किए थे, हालांकि मेरे अपने उसके रीजन हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने मुझसे बोला कि नहीं सर आप कंसिस्टेंट नहीं थे, तो मैं कंसिस्टेंट प्रूफ करके दिखाऊंगा, और यही मेरी आदत है। सर जिद्दी प्रवृत्ति के इंसान, और जो जिद्दी होते हैं वो बहुत आगे बढ़ते हैं। तो तुमको भी जिद्दी होना है अपने सब्जेक्ट के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने सपनों के लिए, भी जिद्दी। बहुत बढ़िया, देखिए ये भी जिद्दी है। तो अगर प्लस क्यू माइनस क्यू तो कैसे करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी डी है। और मैं बात करूं गाइस तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पेन छोड़ो बिल्कुल दिमाग खोलो, इधर देखो, ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं पॉइंट पी पकड़ लूं तो बताओ इधर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसके वजह से क्या होगी, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, प्लेट है ना, बोलो यार। और इसके वजह से क्या होगी, टूवर्ड्स होगी, कितनी, तो प्लेट्स के बीच में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वो कितनी आ गई, सिग्मा बाय, फील आ रहा है कि नहीं, पक्का गाइस बोलो, पक्का बोलो, पक्का बोलो, पक्का बोलो। तो सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, टफ तो नहीं है,
मैंने बोला ना मजे से पढ़ेंगे यार, मजे से पढ़ेंगे। किसी काम को लोड लेके पढ़ोगे तो कभी नहीं कंप्लीट कर पाओगे। पढ़ाई अगर तुम इसलिए कर रहे हो कि तुमको बस एग्जाम मैनेज करना है तो तुम कभी नहीं कर पाओगे। बड़े पिक्चर्स के बड़े सपने लेके पढ़ाई करना शुरू करो गाइस, ये बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। मेरा तो ये ब्लेजर से लेकर स्वेटर तक इसी से आया है, बहुत हेल्पफुल है। एटलीस्ट बेरोजगार तो नहीं होगे ना, कुछ ना हुआ तो एटलीस्ट पढ़ाने लग जाओगे, काम तो है ही ना। तो ये देखो इनेट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे देखो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाया तो पढ़ाने लग गया, तो इनेट इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा गाइस, हमें भी अपनी तरह समझ लिए हैं क्या, हमको आपकी तरह लाइफ नहीं पर बात करनी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अच्छा बताओ कैपेसिटेंस होगा कितना, क्यू बराबर क्या होता है, सी वी ए माइनस, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी ए माइनस वी बी, बोलो हाँ या ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब, अगर मैं इसको ए मान लूं और इसको बी मान लूं गाइस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब चलोगे तो पोटेंशियल घटेगा बढ़ेगा, घटेगा तो वी ए माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, कितना घटेगा, ईडी, पता है कि नहीं, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है कितना, ईडी, और इज इक्वल टू कहां पहुंच गए, वीबी, तो वी ए माइनस वीबी इज इक्वल टू क्या आ गया, ईडी, और ईडी ई की वैल्यू क्या है, अरे बोलो आया कि नहीं, वी ए माइनस वीबी की वैल्यू यहां डाल दें, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया एंड डिस्टेंस। अच्छा गाइज, एक बात ध्यान रखने वाली है, एक बात ध्यान रखने वाली बात है गाइज, जो यहां भी बैठे मैं उनसे बोलूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, घर जाके इसको एक बार और देख लोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, मेरा एक व्यू भी बढ़ जाएगा और नोट्स भी बना लेना, समझे, नहीं नहीं यार। और अच्छा तुमको लगता है कि आई एम व्यू ओरिएंटेड, ये मैं मजाक में तुमसे बोलता हूँ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे वीडियो में 50 व्यूज आ रहे हैं ना, मुझे इस बात का सुकून है। मैं ये सोच लेता हूँ कि 5-6 बच्चे क्लास में थे, और अगर 45 बच्चे भी इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो यार सही है ना, 45 स्टूडेंट भी जो अलग से बच्चों फॉलो कर रहे हैं YouTube पे, बहुत सारे बच्चे तो मुझसे ऑफलाइन ही पढ़ लेते हैं, अगर 45 बच्चे भी इससे फायदे, एक बच्चा भी फायदेमंद हो रहा है ना तो मैं वीडियो बनाता रहूंगा, एक बच्चा भी अगर वो कमेंट कर देता है कि नहीं सर आप बनाते रहिएगा, सर हमको हमको नहीं पता दूसरों का, हमको मजा आ रही है तो मैं पढ़ाता रहूंगा। अब हालांकि कुछ लोग कमेंट ही नहीं करते, काम कब बंद करेंगे वो सब तो ठीक है, कब पढ़ाना छोड़ेंगे, रिटायरमेंट कब ले रहे हैं, हाँ कब तक। ये आ गया सी बराबर एप्सिलॉन नॉट बाय डी, तो दिस इज अ कैपेसिटेंस। इस चीज को घूर के देखोगे तो तुम्हें एक चीज समझ में आएगी, वो ये है कि जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वह चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एरिया पे और डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो एक नोट वाली बात है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, लिख लेना डायरेक्ट गाइस, कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज, डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज, इट डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज एंड नेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। प्लीज दैट्स व्हाई मैं कहता हूं कि वीडियो को फिर से तुम लोग दो बार देखा करो, रिपीट करके देखा करो, क्योंकि इससे तुमको बहुत सारा कॉन्टेंट तुम्हें मिल जाएगा जो मैं लिख नहीं पाता, बिकॉज वी हैव टाइम कंस्ट्रेंट, अगर मैं लिखूंगा तो हमारा 5 मिनट जाएगा, ठीक है। अच्छा तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अगर मैं इसी प्लेट में, मैं इसी प्लेट में क्या करूं कि एक दूसरा मीडियम डाल दूं, मैंने बी पहले हवा थी, अब मैंने एक अलग मीडियम डाल दिया डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मैंने बताया था फिजिक्स के टर्म में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी ऐसा मीडियम जो एयर और वाटर, एयर और मेटल ना हो, वो सब डायलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है। तो डायलेक्ट्रिक मीडियम की अगर मैं बात करूं तो के, अगर मैंने के डाला तो जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो के टाइम्स बढ़ जाता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी।
कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है, वो जाता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अच्छा इससे एक और बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, बाय हो तो सुन लो, नहीं थी दरअसल आए हो तो सुन लो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पहले अगर मान लेते हैं दोनों के बीच में ई थी, कितनी थी ई, तो डायलेक्ट्रिक मीडियम डालते वक्त जैसे ही तुम डायलेक्ट्रिक मीडियम डाल दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाय के टाइम्स हो जाती है। जैसे ही तुम डायलेक्ट्रिक मीडियम डाल दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाय के टाइम्स हो जाती है। जैसे जब मम्मी लोग अचार रखती हैं तो अचार में तेल डाल देती हैं तो अचार जल्दी खराब नहीं होता है, तो वैसे ही तुमने इन प्लेट्स के बीच में डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डाल दिया ताकि वो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर मैनेज कर पाए। नहीं आया पक्का, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया कि एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। कोई दिक्कत कोई कष्ट? चलो अब इसमें इसके इस पे बेस तुम लोग एक दो केसेस और देखोगे कि कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली फिल्ड, कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली फिल्ड, इसको डिराइव करना देखो चुटकियों का काम है, जल्दी देखना कोई कष्ट नहीं। मैंने तुम लोगों को जो कॉन्सेप्ट दिया उससे सब तुम लोग फोड़ फाड़ डालोगे। ये देखो ये मैंने प्लेट्स कैपेसिटर बनाई, ठीक है। अब इसके बीच में मैंने क्या कर दिया, एक डायलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, पूरे में नहीं डाला इस बार, केस देखा है स्कूल में आया था डायलेक्ट्रिक फील्ड। अरे यार बोलो, बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, स्कूल के एग्जामिनेशन में जरूर आया होगा। और ये टी थिकनेस है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इसका के है और टोटल दूरी डी है, ठीक है। जैसे अब तुम ये अब देखो तुम वो कंफ्यूज कैसे करेगा, क्या एरिया है। अच्छा इस पे इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है तो क्या इसका कैपेसिटेंस नहीं होगा? होगा, कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड, लेकिन कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें चार्ज देना पड़ता है। समटाइम्स भगवान तुम्हें शक्ति पैसा इज्जत इसलिए देता है ताकि वो ये चेक कर पाए कि तुम्हारी औकात है कितनी। अगर उसको लग गया कि नहीं तुम्हारी औकात इसको पचाने की है तो वो देता है, जैसे ही पता नहीं तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारे तुमको थोड़ा सा पैसा मिला तुम लोगों से बात करने की तमीज़ भूल गए, तुमको गरीब बीमार दिखने लगे, भगवान कहता है बेटा पता लिया तुम्हारा सी पता चल गया वापस लो, समझे। तो अगर मुझे इसका कैपेसिटेंस निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसको प्लस क्यू चार्ज दिया मैंने, ठीक है, बोलो हाँ या ना। जब मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी ई, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसमें के अंदर घुसी तो कितनी हो जाएगी और वापस जब निकलेगी तो कितनी हो जाएगी, पी लाया। कोई दिक्कत कोई कष्ट? और सी बराबर क्या होता है गाइस, सी बराबर बेसिक फॉर्मूला क्यू अपॉन VA माइनस VB, और अगर VA माइनस VB मुझे निकालना है तो मैं VA से शुरू करूं, अगर मुझे VA से शुरू करना है तो मैं VA से कैसे शुरू करूंगा, VA देखना ध्यान से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते तो पोटेंशियल घटता है, अरे हाँ या ना बोल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते तो पोटेंशियल घटता है, कितना घटेगा, E इंटू डी। अब ये बताओ E कितने रीजन में है, यहां E है यहां E है, तो ये टोटल रीजन कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको एक्स बोल लूं और इसको वाई बोल लूं तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, डी माइनस टी हो जाएगा ना, बोलो यार। तो प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड कितने रीजन में है बोलो, और जब इसमें चलोगे तो क्या होगा, माइनस कोई दिक्कत? तो यहां से बी ए माइनस बीबी की वैल्यू क्या आ गई, ई डी माइनस टी प्लस ई बाय के इंटू टी, ई कॉमन ले लिया ये आ गया डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अगर बी ए माइनस बीबी की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो क्यू अपॉन ई की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के, क्यू क्यू कैंसिल, तो सी बराबर आ गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन ठीक है गाइस, मजा आई डेरिवेशन करके।
टफ है, कठिनाई है, परेशानी है, तो डरने का नहीं, कभी भी डरने का नहीं, कोई भी समस्या आ जाए डरने का नहीं, परेशान नहीं होने का। ठीक है गाइस, याद क्लियर हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जनरली क्या होता है बेटा, कैपेसिटेंस क्या होते हैं, दो तरह के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आई कुड से कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि अगर सपोज करो ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस में सीरीज में होता था, जो बच्चों ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का सीरीज वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा कि अगर सपोज करो ये है, ये है और ये है, और ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस ठीक C1 प्लस C2 प्लस C3। गाइस आई थिंक मुझे एक लेक्चर और लगेगा इसको फिनिश करने में, और जरूरत भी नहीं है पूरा एक साथ एक स्ट्रेच में फिनिश करना, तो इतना आप लोग रिवाइज कर लो, इस पे बेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, एक लेक्चर और लगेगा जिसमें मैं तुमको सर्किट्स पे थोड़ा ज्यादा टाइम दे दूंगा, जिसमें सीरीज पैरेलल सर्किट्स हम खत्म कर लेंगे, हम और भी कुछ केसेस जो होते हैं इसके कॉम्बिनेशन के वो कर लेंगे, और कुछ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, आई होप गाइस मैंने आज के लेक्चर में आपको पूरी तरह से समझा पाया हूं मैं, और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे से मेहनत करोगे और बोर्ड्स के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके नेक्स्ट लेक्चर में मिलोगे। थैंक यू सो मच।